आज के इस वीडियो में आप दुनिया के सबसे बड़े आकार और साइज वाले सांपों को देखने जा रहे हैं। ये सांप दुनिया के अलग अलग कोनों में पाए गए हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही विशाल थे। हमारा यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो के अंत वाले सांप को देखेंगे तो उसका साइज आपको भी हैरत में डाल देगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल Planet Earth India को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वियतनाम के किसी डांग काओ नाम के एक गांव में यहां के स्थानीय लोगों को किसी सांप के होने का डर होता है। ऐसे में स्नेक रेस्क्यू टीम मौकाए जगह पहुंचती है। सबसे पहले इसकी पूंछ नजर आती है, जिससे ये नॉर्मली मालूम होता है, मगर अगले ही पल जब इसे पकड़कर इस जगह के नीचे से बाहर निकाला जाता है तो इसके साइज का अच्छे से ज्ञान हो जाता है। ये सांप बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। आप ये नजारा देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सांप को रेस्क्यू करने और उठाने में 5 से 7 लोगों की जरूरत पड़ी। वहीं तकरीबन ये 7 फीट से भी ज्यादा लंबा था। आपको क्या लगता है? पिछले साल 2019 में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो ब्राजील के किसी शहर का बताया गया। ये वीडियो कुछ खास था, वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में सड़क पर लोग नजर आते हैं जो इस विशाल एनाकोंडा की फिल्मिंग कर रहे थे, जो दिखने में बहुत ही बड़े साइज का लग रहा था। वेल, इस दौरान ये एनाकोंडा सड़क को क्रॉस करते हुए देखा गया। यहाँ पर सिर्फ स्थानीय लोग ही थे, इसलिए इसे पकड़ा नहीं गया, वरना हमारे हिसाब से ये एनाकोंडा 7 फीट से कहीं ज्यादा लंबाई का मालूम होता। आपने किंग कोबरा स्नेक का नाम सुना है? नहीं भी सुना तो इससे इसके खतरनाक होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल, हम आपको बता दें, ये वो सांप है जिसके काटने पर मौत निश्चित है। अगर सही समय पर इलाज न हो तो तुरंत मौत हो जाएगी। वहीं इंटरनेट पर मौजूद इस वीडियो में आप दुनिया के सबसे लंबे साइज वाले किंग कोबरा को देख रहे हैं। आमतौर पर जहां स्नेक का एवरेज साइज 10 से 12 फीट होता है, वहीं इस वीडियो में दिखाई दे रहा ये किंग कोबरा 18 फीट लंबा था, यानी कि 3 भारतीय लोगों की औसतन हाइट के बराबर। ऐसे में आप आसानी से समझ सकते हैं कि असल में कितना लंबा रहा होगा। ब्राजील के किसी शहर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहां के मजदूर अपने काम में मशगूल थे, तभी इनको यहां ये जाइंट एनाकोंडा नजर आता है, जिसे बड़ी क्रेन की मदद से नीचे लाया जाता है। इसमें खुशी और हैरत दोनों ही बातें देखने को मिली। खुशी की बात तो ये थी कि इस दौरान ये एनाकोंडा मरा हुआ मिला, और हैरत की बात यह थी कि इसका आकार हद से ज्यादा बड़ा था। इसके जिंदा रहते कोई मजदूर आदमी इसके पास नहीं आया, वो ही अच्छी बात थी, वरना इसके शरीर के साइज को देखते हुए ये किसी इंसान को निगल भी जाता और डकार भी नहीं लेता। आपके हिसाब से इसकी लंबाई कितनी रही होगी, नीचे कमेंट बॉक्स में तो बता दो। साउथ अमेरिका में स्थित अमेजोन नदी, जिस दुनिया की सबसे बड़ी नदी के साथ साथ सबसे खतरनाक जानवरों का घर भी कहा जाता है, इसी नदी में यहाँ के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को अचानक पानी में ये एनाकोंडा नजर आ जाता है। एकाएक इसे देखकर ये लोग चौंक उठे, क्योंकि ये वही एनाकोंडा था जिसे यहाँ एक टीम काफी समय से खोज रही थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अमेजोन रिवर में ही दुनिया का सबसे बड़ा और भारी भरकम एनाकोंडा निवास करता है, और जब ये यहाँ ऐसे देखा जाता है तो इसके होने की बात की पुष्टि हो जाती है। टीम मेंबर्स के गैर मौजूदगी में इस एनाकोंडा को पकड़ा नहीं जा सका, वरना हम गारंटी से कह सकते हैं कि वही एनाकोंडा था जिसे यहाँ की टीम काफी वक्त से खोज रही थी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो ने आज आपका काफी नॉलेज बढ़ाया होगा। ऐसे ही अपने नॉलेज को बढ़ाते रहने के लिए आपके फेवरेट YouTube चैनल Planet Earth India से जुड़े रहिए, और 1 लाख लाइक्स के साथ इस वीडियो पर आपके प्यार की बारिश कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल Planet Earth India को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।